देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में जारी गिरावट के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंच गई है। पहली खेप 1 मई को भारत पहुंची थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि 24 मई तक बढ़ा दी है। बिहार के पूर्व राज्यपाल आरएल भाटिया का कोरोना संक्रमण से अमृतसर में निधन हो गया। वे 100 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक। गया जिले के 26 स्थानों पर सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन अच्छी खासी संख्या में लोगों को 2 वक्त का मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। समस्तीपुर जिले के शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोविड वैक्सीन देने के लिए 20 से अधिक विशेष टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। समस्तीपुर नगर परिषद द्वारा कोरोना से बचाव के लिए शहर के सभी 29 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। बेगूसराय स्थित छौराही के अमारिक में चोरों ने राम जानकी ठाकुरबाड़ी का ताला तोड़कर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की अष्ट धातु की मूर्ति चोरी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवादा में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर डीलरों ने हड़ताल कर दी है। इससे कोरोना काल में लोगों को मुफ्त में अनाज वितरण का काम बाधित हो गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। इसकी वजह से गर्मी बढ़ गई है। आने वाले 1 से 2 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। और अंत में मुख्य